गाइस देखो रास्ते में हम लोग क्या दिखा, ये जो ट्रक है तो ये क्या गुजरात का नंबर है? या ओके, सेरोस लिखा हुआ है, गुजरात का ही है ट्रक, बट दिस इज अ फॉरेन ट्रक यार, कैन यू सी? पीटर बिल्ट का ट्रक है, कंपनी का नाम पीटर बिल्ट कंपनी का नाम नहीं है, बनाया है पीटर बिल्ट ने। अरे पेचोंडा नीचे बच्ची ना, अपने ट्रक वाले को रोक दिया है। इनसे बात करेंगे और पूछेंगे अंदर का, देखेंगे यार बहुत सही लग रहा है। अरे भैया आपका ट्रक देख के दिल खुश हो गया एकदम, इंटरनेशनल मॉडल है। आप यूट्यूब पे आ रहे हो बाय द वे? हाँ, मेरा आउट एंड अबाउट चैनल का नाम है। हम लोग अभी घूमने जा रहे हैं बनारस, फिर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया एकदम। आपका ट्रक देख के मेरे को एकदम लगा कि भाई ऐसा ट्रक तो कनाडा और अपना ये अमेरिकन है, अमेरिकन में चलता है। ये पीटरबिल्ट का कंपनी है कि इसने पीटर अच्छा, थोड़ा अंदर देख सकते क्या? देख ठीक है, भैया ने अपने को बोला अंदर जाके एक बार देख लो। ओ भाई साहब, भाई लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो बोलू आए। ये देख रहे हो यहाँ पे वुडन फिनिश दिया है, एकदम लग्जरी डोर पैड वगैरह यार, देखो यूनिट देख रहे हो आप। भाई पूरा वो देखो, वहां से भी आप नीचे देख सकते हो क्या है, मतलब साइड में कौन आपको पिंग कर रहा है। नहीं भाई इसका बोनेट देख रहे हो आप, भाई इसका बोनेट मतलब मेरा गाड़ी का आधा हिस्सा है पूरा। वहां पे भी विंग मिरर्स भी है और कितना सारा ये है, ऑयल टेम्परेचर का अलग है, एग्जॉस्ट फ्लूइड अलग है। माय गॉड, एंड दिस इज अ लेफ्ट हैंड ड्राइव, कितना अजीब लगता होगा यार चलाते हुए। देखो पीटरबिल्ट का कंपनी का है ये, वही अपना ट्रांसफार्मर वाला ट्रक है। ठीक है, ये क्या है, ये क्लच, अच्छा ये सब सेम है। ये देख रहे हो यहाँ पावर विंडो का स्विच वगैरह, देखो सही है यार। एक बार स्टार्ट करूँ क्या, क्रैंक दूँ? क्रैंक दे, छोड़ देना। ओ भाई साहब, अरे पावर स्टीयरिंग है क्या ये? सीट वगैरह सब आपका ऑन होता है? इलेक्ट्रिक है क्या? अरे वाह, न्यूमेटिक सिस्टम, वाह, नो वार्निंग्स, एकदम परफेक्ट। ऑन मार रहा हूँ एक बार, और ये ऑन है, ऑन आगे वाला है, ये ऑन है। अच्छा मुझे लगा ये वाला होगा, हॉर्न भी इसका पूरा अपना अमेरिका वाला ही है। भाई क्या सही चीज है, ये तो रेस है ना, बंद कर दीजिए। इसका सब क्रूज कंट्रोल रहता है, हाँ मतलब वो मेरे गाड़ी में है, लेकिन ट्रक में भी क्रूज कंट्रोल होना एक बड़ी बात है अपने आप में। यहाँ से कंट्रोल करना है, यहाँ से करो नहीं वहाँ से जाके करो। क्या इसका आरपीएम ओरपीएम कितना है, और टायर वायर का अपना क्या नॉर्मल लगता है कि वो भी फॉरेन का अलग है? टायर भी फॉरेन का है। अरे भाई साहब ये नॉर्मल टायर है। अच्छा देखिए ये कितना आगे का ट्रक है, फिर भी इसमें डीएफ है। मेरा अभी VS6 है, लास्ट ईयर लिया तो उसमें डीएफ का टेक्नोलॉजी अभी आया। इसमें कब से? ये 2012 से, 2000 ये 2012 का है, हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। 6 टोल आज की जर्नी का, आई थिंक 3-4 और है, तो भैया कितना रेट है यहाँ पे? 115। थैंक यू भैया, गर्मी में बैठ बैठ के ना जो सवाल करोगे फटाफट जवाब देगा, फटाफट निकलो क्योंकि फास्टैग का जमाना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का। बट यार रोड बहुत सही मिला, झारखंड वाला जो लेक है हम लोग का, झारखंड लेक वॉज प्रीटी गुड, रोड सही में बहुत अच्छे हैं।
अभी देखो इतना सा तो थोड़ा सा पैचेस तो चलता ही है, ठीक है, फिर से टोल रोड चालू हो जाएगा तो फिर अच्छा रोड मिलने स्टार्ट हो जाएगा। अब बिहार का बाकी है, देखते हैं बिहार में कैसा रोड बा, जावा तो नहीं आगे। ये देखो गाइस पूरा रोड बहुत ही अच्छा है, ट्विस्टीज वाला रोड है, ऐसे 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 करके जा रहा है। और ये पेड़ जो है ना, ये ऑरेंज वाले बहुत दिख रहे हैं यार, बहुत सही लग रहा है देखने में इसको, मतलब एक कॉन्ट्रास्ट दे रहा है, क्योंकि यू नो डार्क रोड्स, ब्लैक रोड्स एंड देन वही हरे हरे से पेड़ है, ठीक है, और उसके बीच जब आप ऑरेंज कलर के पेड़ देखते हो ना तो बहुत डिफरेंट लगता है एंड पूरा वाइब ही बदल दे रहा है। सो ग्रीनरी एंड इसका जो अपना प्लांटेशन वाला चीज़ है झारखंड का, बहुत प्यारा है, अच्छा लगा मेरे को देख के। ये देखो साइड में और एक कैमरामैन बिठा के रखा हम, ठीक है, एम्बाप्पे। पीछे सेठ जी क्या कर रहे हैं, सेठ जी कुछ बोलो, आप ऐसे शर्मा क्यों रहे हो, अरे मुंह तो उठाओ। देखा अगले हल्का सा स्माइल दे रहा है। ये देखो YouTube पे क्या होता है ना, पहले पहले जब कोई दोस्त लोग जा रहे देखना आपके साइड वाले दोस्त कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप रहेंगे, धीरे 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 खुलते, तो टाइम लगेगा, रोड ट्रिप्स करते रहने होंगे इन लोग के साथ, तभी तो मजा आएगा। और गाइस हम लोग जस्ट बिहार, इस ब्रिज के एंड पे बिहार है, ये घुस गए बिहार, बिहार में आपका स्वागत है। तो ये हमारा आज का तीसरा स्टेट है, थर्ड स्टेट, वेस्ट बंगाल देन झारखंड एंड देन बिहार। देखो बिहार, बिहार यूपी आरटीओ टैक्स, टैक्स भी भर सकते हो आप यहाँ से। अब बिहार जो घुस गए गाइस, थोड़ा लंच करने रुके हम लोग, यहाँ पे भूख लग गया यार, देखते क्या खाना मिलता है। मैं लास्ट टाइम यहाँ पे रुका था एक्चुअली, जब मैं लद्दाख जा रहा था वो उस टाइम मैं यूट्यूब का चैनल स्टार्ट नहीं किया था, सो बट मुझे याद था ये। और खाना अच्छा है यहाँ का, देखते हैं। सो गाइस खाना दाना हो गया है, बढ़िया खा लिया है यार, चिकन राइस फुल भरपेट खा लिया है। अब बस 200 किलोमीटर बाकी है, ज़्यादा नींद ना आए, बस यही है, सेफली बनारस पहुँच जाए। अभी औरंगाबाद आएगा, औरंगाबाद के बाद फिर हम लोग यूपी एंटर कर जाएंगे। चलो गाइस निकलते हैं। देखो आप लोगों को अपडेट बता रहा हूँ, आज का 7th टोल, 7वां, कितना लगेगा इधर, 100 है शायद, 100 देखा क्या मैंने, पता नहीं, देखते हैं, 100 ही होगा। भैया कितना है टोल, टोल कितना है, 100? रोड अच्छे है यार, मतलब झारखंड से हम लोग को अच्छे ही रोड मिले हैं, 90% अच्छा ही मिला है, 10% तो इधर उधर रहता ही है, थोड़ा सा डाइवर्जन वगैरह, बट बहुत ही कम था, बहुत मिनिमल था। अच्छा अभी आगे का पैसेंजर चेंज हो गया है, अपना भाई आ गया है आगे, और अपना जो बॉस है वो चला गया है पीछे, देख रहे हो, चावल वावल खा के पसर गया है, अब वो डायरेक्ट बनारस में उठेगा। गाइस हम लोग का और लास्ट 138 किलोमीटर्स बाकी है, ठीक है, एंड 645 का ETA दिखा रहा है। कोशिश तो यही है कि मतलब ऐसा कोई गूगल में आपको हराने का इंटेंशन नहीं है फिलहाल तो, बट 138 है। प्रॉब्लम ये है कि समझ नहीं आ रहा है 138 के लिए, अभी बज रहे हैं 3:20, 3:30 ही पकड़ लो, 138 किलोमीटर्स के लिए ऑलमोस्ट 3.5 घंटा आई थिंक थोड़ा ज़्यादा है, बट जा भाई तू जा, तुझे बहुत जल्दी है, तो
देखते हैं कैसे क्या डिस्टेंस कवर हो रहा है। आई मीन रोड तो अच्छे ही है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। हम लोग टुवर्ड्स द एंड ऑफ बिहार है, बिहार को भी छोड़ने वाले हैं, औरंगाबाद आ चुका है, सो बिहार और थोड़ा सा बाकी है, इसके बाद हम लोग यूपी एंटर करने वाले हैं। कितने बजे निकले थे भाई? 3:20 तीन बीच ना, 3:30 तो साढ़े तीन ही पकड़ रहा हूँ, 3:30 बजे निकले थे हम लोग। 3:30 से गाड़ी चला रहा हूँ यार, और अभी भी 130 किलोमीटर बाकी है। अभी टाइम हो रहा है 3:30, मतलब 12 घंटा हो गया है, पूरा 12 घंटा हो गया है। तो आई थिंक और मतलब 1-2 घंटा लगना चाहिए एट द मैक्स, बट पता नहीं कितना देर लगेगा। गूगल मैप तो बोल रहा है कि अभी भी 3:30 घंटा लगना है। 130 किलोमीटर के लिए 3:30 घंटा थोड़ा सा टाइस ही लग रहा है मेरे को। पता नहीं अगर रोड ऐसे होंगे, दिखाई दो भाई ये वाला देखो, थोड़ा आगे जा रहा हूँ और ऐसे ऐसे आ जा रहा है, तो पैचेस में काम चल रहा है हर जगह, हर एक स्टेट में। अभी तक यूपी एंटर नहीं हुए, बिहार नंबर प्लेट का गाड़ी दिख रहा है, कभी दिख रहा है, बट प्रॉपर यूपी अभी हम लोग एंटर नहीं हुए, क्योंकि मैंने अभी तक कोई बॉर्डर ऐसा नहीं देखा है जो मतलब हम लोग जिसको पार करके लिटरली दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं। सो देखते हैं। और अपना पीछे वाला भाई क्या कर रहा है, क्या खत्म है क्या? अरे यार ये सब सबसे ज़्यादा तो ये सोया है जो अभी रिकॉर्डिंग कर रहा है, सबसे ज़्यादा ये सोया है। पूरा 3:30 बजे से हम लोग जब निकले उसका 15-20 मिनट, चलो 40 मिनट बाद वो सोने गया, और एकदम आके बिहार में जहाँ हम लोग लंच किए वहाँ पे आके उठा हुआ। ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर में से 450 किलोमीटर वो सोया है। सो ही हैड अ गुड स्लीप। अभी पीछे वाला गया है, सामने वाला पीछे गया है अभी सोने के लिए, देखता हूँ कब उठता है वो। क्या व्यू है गाइस, देखो यार क्या भाई उसका, ओ हो एक नंबर। हरियाली है ना, अरे हरियाली तो हर जगह दिखेगा। सो गाइस मुझे ना एक पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करना था, कि मेरा ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि मैं भाई एकदम रोड ट्रिप वाला बंदा हूँ, ठीक है। यू टेल मी टू गो एनीवेयर बाय रोड, ऑब्वियसली इंडिया के अंदर होना चाहिए। इंटरनेशनल का भी थोड़ा प्लान्स है, तो वो आपको रिवील करेंगे धीरे धीरे कब क्या होता है। अभी एग्जीक्यूशन का कुछ पता नहीं है, प्लानिंग भी नहीं चालू हुआ है, तो जब उसका होगा तो देखेंगे। कोशिश एक है जाने का,
बट मतलब रोड ट्रिप का ना यही मजा है कि आप जैसे दिखाओ यहाँ पे एक जैसे पहाड़ दिख रहा है, ठीक है, कभी आपको हरियाली दिख जा रहा है, कभी आपको बेकार रास्ते मिल रहे हैं, मैक्सिमम आपको अच्छे रास्ते मिल रहे हैं। तो रोड ट्रिप्स इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें बहुत पर्सनली बहुत मजा आता है। एक तो ड्राइव करने में मजा आता है, ठीक है, और अच्छी गाड़ी हो तब तो और सोने पे सुहागा, ठीक है। और मतलब कि रोड ट्रिप्स में आपको प्लस पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं, हाँ थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स भी है, जैसे कि थोड़ा ट्रैवल टाइम ज़्यादा होता है एंड गाड़ी में कुछ हो गया तो उसका फिर एक टेंशन रहता है, बट देन सी दीज आर नॉर्मल थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ रोड ट्रिप। सो बट इसके जैसे एक्साइटिंग कुछ नहीं है, आप फ्लाइट पकड़ के जाओगे कहीं पे, आप फ्लाइट से पहुंच जाओगे, ठीक है, डेस्टिनेशन में पहुंच गए, खत्म। आप ट्रेन से जाओगे, ट्रेन में भी आप एक डेस्टिनेशन से निकल के एक दूसरे जगह पहुंच जाओगे, तो वो एक्साइटमेंट नहीं रहता, यू आर जस्ट ट्रैवलिंग। बट यहाँ पे आप ट्रैवल भी कर रहे हो और आप सीनरीज भी देख रहे हो और एक्सपीरियंस भी कर रहे हो, कहीं भी रुक के खा रहे हो ढाबा पे, तो ये सब जो है ना ये रोड ट्रिप में आपको मिलेगा, ठीक है। ये देखो चट्टान, साइड में चट्टान ही है ना, ये जो काट मार के कुछ किया है, हाँ एक मेरे भैया है, बहुत ही प्यारे से भैया है, उनको हम लोग चट्टान बुलाते हैं। तो अभी ये चट्टान जैसे हम लोग को दिखाई दिया तो हमको उनका बात याद आ गया, वो अभी मुंबई में गए हुए हैं कुछ काम से, वो आएंगे तो उनको ये वीडियो हम लोग जरूर दिखाएंगे, उनको फिर याद आएगा हम लोग चट्टान से हम लोग का मुलाकात हुआ है, और काफी तगड़ा चट्टान है एकदम उनके जैसा, कभी उनको भी व्लॉग पे लाएंगे लेकिन अगर वो मतलब आना चाहे तो। देखो सेठ जैसा बैठा है उठ करके, अभी तुम कैमरा घुमा रहे हो उसके पहले पोज दे दिया। और 113 किलोमीटर बाकी है, 113 गाइज, ये हमारा 8वां टोल टैक्स है, नंबर 8। इस दुनिया में 8 अजूबे हैं और ये हम लोग का 8वां अजूबा नहीं, 8वां टोल टैक्स है। अच्छा अजूबा वाला पार्ट कंफर्म करेंगे हाँ, क्योंकि वो गूगल चेक करके बताना है, या व्यूअर्स भी क्या सोचेंगे, इसको पता भी नहीं है कि कितने अजूबे हैं हमारे देश में। 9वां अजूबा पीछे बैठा हुआ है, दिखा दे एक बार। अच्छा ये सासाराम टोल प्लाजा है,
सो गाइस अपना आज की जर्नी की 9th टोल, 9वां नंबर टोल, मतलब ऑलमोस्ट 950 से 1000 रुपए का टोल हम लोग पे कर चुके हैं अभी तक। अभी तक 6:20 को हम लोग पहुँचेंगे। ETA 620 बोल रहा है 1 hour 34 minutes लगेगा, 62 किलोमीटर है। और एंड फ्यूल की बात करें तो फ्यूल अभी है, मतलब ठीक ठाक है। एक बार बनारस पहुँच जाएं हम लोग तो फिर आपको बताते हैं कितना और चलेगा गाड़ी। ये कौन सा टोल है, इस टोल का नाम क्या है, टोल का नाम हम लोग पढ़ना मिस कर गए। भैया जी कौन सा टोल है? मोहनिया। अच्छा, और बनारस तक और टोल नहीं है ना आगे? बनारस है तो बनारस बनारस की रविंद्रपुर लंका। यूपी घुस गए क्या? नहीं यूपी घुस गए हैं ना? ना यूपी घुस गए क्या? अच्छा 18 किलोमीटर बाद बॉर्डर है। सो गाइज अभी भी 36 किलोमीटर बाकी है, 55 मिनट्स बोल रहा है पहुंचने के लिए। और गाइज सनसेट हो रहा है, हम लोग जब निकले थे तब सूरज निकला भी नहीं था, और अभी हम लोग सूरज जब ढल रहा है तब हम लोग एंटर कर रहे हैं बनारस के अंदर। सो आउट एंड अबाउट वाज ऑलमोस्ट आउट फॉर द होल डे, और इवनिंग पे हम लोग एंट्री ले रहे हैं बनारस में। गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। गाड़ी के एंगल से अगर बताऊं तो अभी भी तेल है, कितना है वो तो जाके हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। सो ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था, माइलेज भी आपको बताते हैं एक बार पहुंच जाए फिर बताएंगे। एंड आई होप आपको ये व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल आउट एंड अबाउट, एंड लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और जितना हो सके गाइस सपोर्ट करो यार, क्योंकि मतलब गाड़ी चलाते चलाते वीडियो बनाना, फिर मेरा जो फ्रेंड्स है वो लोग भी एफर्ट्स दे रहे हैं इसमें, तो सबका एफर्ट एक मिल के एक ओवरऑल आउटकम बन के आ रहा है। तो इसको आप लोग सपोर्ट करो, एंड जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो जो बटन है सब दबा दो यार, बेल आइकन दबा दो, सब कुछ कर दो, नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो और क्या ही बोले, बनारस बस पहुँचने ही वाले हैं 35 किलोमीटर के अंदर। सो गाइज फाइनली हम लोग उत्तर प्रदेश में एंटर हो चुके हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका उत्तर आपको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। सो आओ और इधर घूम के जाओ, बहुत ही प्यारा सा स्टेट है, बहुत प्यारे लोग हैं, प्यार से रहोगे तो सब ठीक है इधर। बाकी बहुत ही सनसेट का हम लोग पूरा मजा ले रहे हैं अभी, एंड पीछे वाला भाई पता नहीं क्या कर रहा है, उसको दिखा दे एक बार क्या कर रहा है, वो तो राजा जैसा बैठा हुआ है पीछे। गाइज हमने एक टर्न मिस कर दिया है, और देखो यार हमारे साथ क्या हो गया यार, कहाँ हम लोग घुस गए। बेसिकली एक टर्न लेना था जहाँ से सिर्फ और 3 किलोमीटर था, अब वो मिस कर गए तो एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर घूमना पड़ा, अभी भी 5.5 किलोमीटर है। अब पता नहीं कहाँ घुस गए, फुल ट्रैफिक एकदम, कोई कुछ नहीं मान रहा है, कोई सिग्नल है कुछ नहीं है, जो जैसे मर्जी जा रहा है, पता नहीं कौन सा गली गली में घुसा देगा, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। सो देखते एक बार पहुँच के ही आपको फिर दिखाते हैं होटल या गेस्ट हाउस जो भी है। तो गाइस फाइनली पहुंच गए अपने, थोड़ा साफ कर लेता हूँ यार, गाड़ी थोड़ा टेढ़ा होके है यहाँ पे, क्योंकि इधर अटा नहीं, फिट नहीं हुआ, ठीक है। सो बाद में यहाँ लगा देंगे कहीं पे। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी, एंड ये मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पे आयुष, तो उसका दोस्त का है, सो ही गॉट मी अ रियली गुड डील हियर। Now I'll just show you the property. It's very nice. Just look at the decoration this guy has done. And let me introduce you to Harsh. Hello. Okay, this is Harsh's property, and let me just give a tour of it. Okay, and yahan se aap dekho aise ja raha hai. Vibe bahut sahi hai. Mere ko to bahut Goa Goa wala vibe lag raha hai. Dekh rahe ho? Oh, good vibes. Okay. सो इनका यहाँ पे ओपन
रेस्टोरेंट टाइप का है, दिस इज वेयर यू कैन कम एंड ईट। और अपना ऐसे ही है, ये अपना रूम है एकदम सामने, काफ़ी बड़ा रूम है, काफ़ी स्पेशियस रूम है, पूरा भैया साफ वाफ करके दिए। चलो गाइस थोड़ा रिलैक्स विलैक्स करते हैं यार, बहुत थक गए हम लोग, इतना जर्नी करके आए हैं, अभी मतलब इतना लगेज वगैरह देख रहा हूँ, पूरा लगेज वगैरह सब अभी आके रखे हम लोग, और बस थोड़ा बैठते एंड बाकी थोड़ा बात करते हैं हर्ष से।